जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत करता हूं आपके अपने ही वै के यूट्यूब चैनल प्रिडिक्शन राजा में अभी हम बात करेंगे सी डब्ल्यू सी लीग टू वनडे का जो मुकाबला खेला जाएगा कल स्कॉटलैंड वर्सेस ओमान के बीच में या फिर वीडियो अगर आप आज देख रहे हो या फिर आज अपलोड करता हूं तो आज जो मैच खेला जाएगा स्कॉटलैंड वर्सेज ओमान के बीच में इसको लेकर डिटेल्स में देखेंगे परखेंगे फिर हम बात करेंगे अपनी फैंटेसी टीम को लेकर आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दूँ अभी जो हम बात करेंगे वो अपना डेमो टीम होगा फाइनल टीम में जो भी बदलाव दिखेंगे उसका अपडेट सिर्फ और सिर्फ मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है इसी वीडियो के चले जाइएगा कमेंट सेक्शन में और सबसे टॉप कमेंट में आपको दिखेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक उसके ऊपर क्लिक करके आप सभी को टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाने हैं यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद आपको दिखेंगे सबसे टॉप में पिंड मैसेज इसके ऊपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको कुछ एप्लीकेशन दिखेंगे अगर इनमें से कोई एप्लीकेशन नहीं हो आपके पास तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा फिर आपको दिखेंगे यहाँ पे पिंड मैसेज टू इसके ऊपर क्लिक करने पिंड मैसेज टू में जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक चैनल दिखेगा हमारा मेन जहाँ पे आपको क्लिक करके आप अगर चाहते हो कि बास्केटबॉल फुटबॉल या फिर

आप के अपोनेंट्स जो भी आएंगे अगर वो लोग देख लेंगे तो वो जल्दी आपसे भिड़ेंगे नहीं इसका मतलब ये कि अपने पी फैमिली का जो मेम्बर है वो आपसे नहीं भिड़ेंगे और क्लैश आपस में नहीं होगा अब आइए हम मैच को लेकर बात करते हैं अगर बात करेंगे विनिंग परसेंटेज को लेके यहां पे स्कॉटलैंड की टीम फेवरेट रहने वाली है और इसके विनिंग चांसेस आपको दिख जाएंगे तकरीबन से 67 परसेंट के आसपास अगर यहां पे जेड मकसूद आपको अगर खेलते नजर नहीं आए तो ये हो जाएंगे 77 परसेंट के आसपास क्योंकि यहां पे जिनके कैप्टन है जेड मकसूद अगर वो खेलते हैं तो एक पैकेज के रूप में काम करते हैं गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी दोनों जगह से आपको पॉइंट निकाल के दे देंगे फिलहाल मैं सिक्सटी बोलूंगा कि स्कॉटलैंड के चांसेज हैं और थर्टी के आसपास यहाँ पे ओमान के विनिंग चांसेस हैं अब आइए देखते हैं दोनों टीम का प्लेइंग इस मैच में क्या रह सकता है तो यहाँ स्कॉटलैंड की तरफ से आपको दिखेंगे कैले कॉर्जर मैथ्यू क्रॉस सी मैकलियो रिची वैरिंगटन, जॉर्ज मुंसे डी बस मैकलिस्क मार्कियट साफियान शरीफ जीमेन हम जाता हिड यहाँ पे टीम चेंजेस कुछ कर सकती है अपनी टीम में यहाँ पे एनेल या फिर एवेनस को बैक कर सकती है किसी के भी जगह ओमान को लेकर बात कर लेंगे कश्यप प्रजापति जतिंदर सिंह सोहेब खान अयान खान सूरज कुमार खबर अली मोहम्मद नदीम फयाज भट्ट इसके बाद आपको दिखेंगे नेस्टोर ढांबा कली मुल्ला बिलाल खान संदीप गौड यहाँ पे नहीं दिखेंगे बिलाल खान तक आपको दिखने वाले हैं मोस्ट प्रॉब्लली आपको यहाँ पे जीसन मकसूद जो है वो ये मैच खेलते नजर आ जाएंगे इन प्लेस ऑफ या तो वो नदीम को यहाँ से हटाएंगे या फिर नेस्टोर ढांबा को यहाँ से हटाएंगे पॉइंट्स टेबल में बात कर लेंगे तो यहाँ ओमान की टीम सबसे ऊपर है तीस में से अठारह मैच विन किए है वहीं अगर स्कॉटलैंड को लेकर बात कर लेंगे पंद्रह में से मैच, दस मैच मैच विन करके आ रही है अगर बात करेंगे पिच रिपोर्ट को लेकर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और ये पिच जो है स्पिनर को असिस्ट करती है ध्यान से रखिएगा गेंदबाज को जिसका नाम है खबर अली और दूसरा आपको इस मैच में अच्छा खासा विकेट निकाल कर दे सकता है कौन मार्क मार्कअ अब आइए हम बात करते हैं दोनों टीम जब लास्ट मैच में आमने सामने आई थी वहां पर प्रदर्शन कैसा रहा था तो एक ऐसा मैच खेला गया था जो मैच ओमान की टीम लगभग कंफर्म थी कि जीत जाएंगी उसको लास्ट में ओमान की टीम हार गई थी और यहाँ पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड को रोक दी थी 215 पे जहाँ क्वार्टरर किए हुए थे 23 रन मैथ्यू क्रॉ 33 मैक्लिओड 19 बैरिंगटन 27 मुंशी 62 डीबज 0 लिस्क 8 किए हुए थे मार्केट 5 अफ्यानसरिप 19 ए नील 4 और यहां से हमजा तारिक किए हुए थे 0 रन उस मैच में गेंदबाजी के ऊपर ध्यान देंगे तो बिलाल खान 10 ओवर 46 रन दो विकेट फयाज भट्ट को तीन मिला था कलीमुल्ला को दो मिला हुआ था अयान खान दो विकेट, थे, लिए, विकेट लिए थे खबर अली विकेट लेस गए थे जीजान मकसूद 9 ओवर में चौंतीस रन देकर एक विकेट लिए हुए थे डेथ बॉलिंग को लेकर बात कर लेंगे बिलाल खान फयाज भट्ट आपको दिख जाएंगे कभी कभार आपको जेसान मकसूद भी चालीस से पचास में तीन से चार ओवर डालते नजर आ सकते हैं बल्लेबाजी में बात कर लेंगे यहाँ पे कश्यप किए हुए थे तेरह जतेंद्र सिंह फिफ्टी थ्री रन अच्छा बैटिंग किए हुए थे फिर शोएब खान दो जैसान मकसूद फोर्टी सिक्स ये शोएब खान जो दिखेंगे ना इसको दुनिया इग्नोर करने वाले हैं लेकिन ये ऐसा प्लेयर है जो आपको बैक करना चाहिए टेक्निकल साउंडेड प्लेयर है कैचिंग पोजिशन पर रहता है और वन डाउन बैटिंग करता है इसका मतलब ये चीज़ ध्यान रखना जिस भी किसी टीम से कोई ओडीआई के फॉर्मेट में वन डाउन बल्लेबाजी करता है तो साइकोलॉजिकली बात होती है कि वो प्लेयर टेक्निकल साउंडेड होते हैं और उसका हाई टेम्परामेंट होता है स्कोरिंग करने का फिर खबर अली चार जैसान मकसूद फोर्टी सिक्स अयान खान सिक्सटी एट संदीप गौड़ आठ रन नसीम खुशी पाँच फयाज भट्ट चार कलीमुल्ला जीरो और बिलाल खान की हुआ था एक रन गेंदबाजी में ध्यान से देखेंगे शारीफ को मिला हुआ था एक विकेट मार्कियट को मिला हुआ था एक विकेट हम तहिर लिए थे दो विकेट इसके अलावा नील लिए थे तीन विकेट रिची वेडिंगटन जीरो माइकल और डी बज लिए हुए थे जीरो विकेट डेथ बॉलिंग को लेकर बात कर लेंगे तो अगर नील खेलते हैं तो नील दिख जाएंगे उसके अलावा आपको दिख जाएंगे साफियान शरीफ इवेन खेलते हैं तो वो भी डेथ में गेंदबाजी डाल सकते हैं और मार्क मार्किट भी आपको चालीस से पचास के बीच में दिखेंगे तीन से चार ओवर डालते हुए जो वहा पे जैसा मकसूद करते हैं लास्ट में तीन चार ओवर डालते हैं स्पिनर होकर वो आपको दिख जाएंगे यहाँ पे मार्किट लास्ट के कुछ ओवर में गेंदबाजी करते हुए अब आइए हम बात करते हैं ओमान की टीम जो लास्ट मैच खेली है वो पीएनजी के साथ खेली है वहां पे टीम का प्रदर्शन कैसा रहा था तो पीएनजी पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे क्रैक किए थे दो सौ चौबीस रन जहां बिलाल खान को मिले थे तीन विकेट फयाज भट्ट को मिले थे दो नेक्स्ट और ढांबा दो विकेट कवर अली को एक विकेट मिला हुआ था अयन खान गए थे विकेट लेस बल्लेबाजी में बात कर लेंगे तो यहाँ पे कश्यप दो किए हुए थे जतिंदर सिंह के बल्ले से फिर से तगड़ा नौकाया था एक सौ अठारह खान सोएब खान एक अयान खान 25 फाइव खबर अली फिफ्टी सेवन रन किए हुए थे अगर हम बात करेंगे वही स्कॉटलैंड का लास्ट मैच को लेके तो वो भी पीएनजी के साथ खेल के आ रहे हैं जहां पे स्कॉटलैंड पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड ब्रेक खड़ा किए थे टू एट्टी सेवन रन कॉर्जर के ऊपर ध्यान दीजिएगा लेकिन इस मैच में इनके बल्ले से शायद ज्यादा रन नहीं निकले क्योंकि सामने उस टाइम होंगे बिलाल खान और बिलाल खान के सामने से रन करना करते ही आसान नहीं रहने वाला है फिर मैथ्यू क्रॉस चार के इनके लिए भी रन करना आसान कल कर नहीं होगा मैकलियड आठ अगर लंबा स्कोर कोई करेंगे तो आपको दिख जाएंगे बैडिंगटन और जॉर्ज मुन्से जो कि यहाँ भी ठीक ठाक नाव खेले थे, थे, हुए थे 56 सिक्स बेडिंगटन के हुए थे 36 सिक्स यहाँ पे जॉर्ज मुन्से के हुए थे इसके अलावा डी बस फोर्टी सिक्स किए थे लिस्क के ऊपर ध्यान दीजिए अठारह बॉल पचास रन छह छक्का किए हुए थे अगर हम बात कर लेंगे गेंदबाजी में तो आपको दिखने वाले हैं यहाँ से हम जाता है तीन विकेट सारी विकेट लेस गए थे जी मैन के ऊपर ध्यान दीजिएगा ये जब भी खेलते हैं ये दो विकेट तीन विकेट चार विकेट ऐसे करके लेते हैं लेकिन दिक्कत क्या आता है कि इनका प्रदर्शन पी के साथ हमेशा से बेस्ट रहा है लेकिन अदर टीम के साथ ये एवरेज प्रदर्शन करते हैं फिर माइकल लिस्क आठ ओवर तीस रन एक विकेट मार्क ये ओवर सता रन एक विकेट अब आइए कुछ बड़े प्लेयर्स

और प्रत्येक किस्मा बॉल में जाके इनको विकेट मिल रहा है अब देखिए रिसेंट पर स्पेन पे जाकर देख लीजिएगा लास्ट के जो है चार पांच मैचेस में एक मैच नो रिजल्ट रहा है तीन मैच स्कॉटलैंड विन की और एक मैच यहाँ पे ओमान की टीम विन की है आइए हम देखते हैं फेंटेसी का टीम अपना आज जो एक टेस्ट मैच खेला गया था जहां पे मैंने आप सभी से बोला था कि इन्वेस्टमेंट हाई कीजिएगा वहां पे देखते हैं क्या चल रहा है अभी टेस्ट मैच का पहला दिन है ठीक है ना वहाँ आप लोग देखिए डिफरेंस तो ये डिफरेंस आपको ये तो आई थिंक कहीं नाम इनका मैंने सुना हुआ है कि आई थिंक ये कोई ठाकरे हैं ना पता नहीं कोई ठाकरे कौन से बहुत बड़े एक्सपर्ट ये भी हैं अपने आप में तो यहाँ पे देखिएगा तो डिफरेंस अच्छे खासे मेंटेन मैंने की है और अगर सेकंड वाले कंटेस्ट में देख ले तो यहाँ भी ठीक ठाक ही डिस्टेंस मेंटेन किया है हाँ, इन्वेस्टमेंट अगर बोलता हूँ तो भाई आप लोग इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ा दिया कीजिए ड्रीम इलेवन पे वैसे भी मेरा इन्वेस्टमेंट कम होता है बाकी के आप पे मैं थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता हूँ अब आइए अगर यहाँ का फंटेसी टीम हम लोग देखें तो यहाँ मैंने जिसको लिया हुआ है वो आइए टीम देख लेते हैं सबसे बड़ी जो डॉट होंगी ना वो होंगी यहाँ पे जैसान मकसूद के ऊपर ये खेलते हैं कि नहीं अगर ये खेल के तो आपका पूरा टीम का समीकरण जो है ना वो बदलाव नजर आ जाएगा मेरे फाइनल टीम में अगर बात करेंगे विकेट के पीछे तो मैंने मैथ्यू क्रॉस को लिया हुआ है बैटिंग में रिची बेडिंगटन इसके अलावा मैंने जतेंद्र सिंह को लिया हुआ है अब आइए पहले हम बात करते हैं ऑलराउंडर में पहले मैंने यहाँ से लिया खबर अली को जैसान मकसद को इसके अलावा मैंने यहाँ पे किसी और को नहीं लिया आप लोग माइकलिस्ट को ट्राई कर सकते हो टेक्निकल वाले प्लेयर हैं जो कि आपको हार्ड हिटिंग देंगे बल्लेबाजी में प्लस आपको गेंदबाजी से भी ठीक ठाक पॉइंट निकाल के देंगे अगर स्कॉटलैंड की पहले बल्लेबाजी आता है जरूर आप लोग इनके ऊपर ध्यान दीजिएगा मैं चाहूँगा बिलाल खान के साथ हमजा तहिर के साथ इसके अलावा आपको जीम और मार्केट में से किसी एक को ट्राई करना आप जिसके साथ भी जाना चाहो जा सकते हो अगर यहाँ से ओमान की पहले गेंदबाजी आती है तो फयाज़ भट्ट को आप लोग जरूर ध्यान में रखना उसके अलावा ए नी लग है और स्कॉटलैंड अगर पहले गेंदबाजी करता है तो आप लोग इनको ध्यान में लेके चल सकते हो और यहाँ पर ध्यान रखिएगा साफियान सारी के पर मैंने इनको अपनी टीम में लिया हुआ है अगर स्कॉटलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करेंगी तो अच्छा पिक हो जाएंगे सेकेंड बल्लेबाजी में आपके लिए ठीक ठाक पिक बनने वाले हैं बहुत तगड़े पिक उस कंडीशन में नहीं बनेंगे अब बैटिंग में मैंने यहाँ से मैकल्यूड को बैक किया हुआ है एहान खान को बैक किया हुआ है अब मैं देखो यहाँ पे तीन बल्लेबाज को जब मैंने ले लिए बैडिंगटन और मैकलियुड एहान खान उसको लेने के बाद मैंने जतेंदर सिंह को ड्रॉप किया जो कि अच्छे तगड़े बल्लेबाज हैं पिछले दो मैच से अच्छे खेल रहे हैं आप यहाँ से एक जो प्लेयर है ना कौर्जर मुंशे जतेंदर सिंह और शोएब खान इन चार में से आप किसी एक को ट्राई कर लीजिएगा अगर बात करेंगे डिफेंसल प्लेयर के तौर पर और अच्छे प्लेयर के तौर पर वह हैं शोएब खान इसके अलावा मुंसे कोर्ट जब आपके लिए स्कॉटलैंड के तरफ से अच्छे पिक हो जाएंगे मुंसे तब अच्छे पिक होंगे जब इनकी टीम की पहले बल्लेबाजी आएंगी फिलहाल के लिए मैंने जिसको लिया हुआ है उनका नाम है माइकल लिस्क इसके अलावा मैं अपनी टीम में लेकर जाऊंगा यहाँ से एक गेंदबाज मार्केट को अब माइकल लिस्क के जगह पे आप ये भी कर सकते हो यहाँ से ट्राई कर सकते हो जी मैन को ये तब करना जब स्कॉटलैंड की पहले गेंदबाजी आए ठीक है ना इस बात को ध्यान रखिएगा फिलहाल के लिए मैं चलो जी मैन के साथ ही जाता हूँ

कैप्टन बी सी जो है इन दोनों को भी दे सकता हूँ या फिर मैं दे सकता हूँ यहाँ से हम जाता हिट साफियान शरीफ इन सब में से भी किसी एक को अगर ओमान की टीम की पहले गेंदबाजी आएंगी तो मैं इस दोनों को ही कैप्टन वी सी दूंगा अपने फाइनल टीम में फिलहाल के लिए मैंने अपनी टीम में कैप्टनशीप दिया हुआ है रिची बैडिंगटन को वी सी दिया है सी मैकल्यूड को लेकिन मैं आपको रिपीट करके बता दूँ कि टॉस के बाद आपको मेरे कैप्टन बी सी में जरूर बदलाव देखने को मिल जाएंगे साथ में कुबेरा का जो डीओ या फिर क्विंटो पिक्स होगा वो भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा है ना यार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए बाय एंजॉय कीजिए अच्छा खासा विन कीजिए कमेंट सेक्शन में जाकर आप जरूर अपना कैप्टन विसी का नाम बताएं और किस टीम के विनिंग चांसेस अच्छे हैं वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा थोड़ा सा आप लोग का आजकल सपोर्ट वीडियो में कम मिल रहा है उम्मीद करेंगे कि हमारा जो वीडियो में लाइक का टारगेट है हज़ार का ये आप लोग जरूर कंप्लीट करवा दोगे अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर दोस्तों फाइनल टीम तैयार करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस बात को ध्यान रखिएगा